लिंक और रिपोर्ट को। Our topic is linkage. Linkage is the physical contact between the gene or physical location of the gene. Genes are the part of DNA and the part of DNA is called gene. जैसे मैं आपको दो क्रोमोसोम दिखाए हैं, उन क्रोमोसोम पे जीन की पोजीशन लोकेट कर दी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. अभी आप यहाँ से देखें, ये दो जीन बिल्कुल पास पास है। जो जीन पास पास है हम इनको बोलेंगे लिंक जीन। अब जो फर्स्ट और सेकंड जीन है, इसमें टेंडेंसी है कि ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इकट्ठा पास होगा, दैट इज कॉल्ड लिंकेज। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और फिफ्थ जीन को, फर्स्ट और सिक्स्थ जीन को, तो इनमें इकट्ठा इनहेरिट करने की टेंडेंसी नहीं है। इसको और क्या बोलते हैं, दे हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर, दे हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन, ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन दे हैव द कैपेसिटी टू स्टे टुगेदर, सेपरेट नहीं होंगे ड्यूरिंग हेरिडिटरी ट्रांसमिशन। तो इसको हम कहेंगे दीज जीन्स आर लिंक जीन। फॉर एग्जाम्पल अगर इनमें आप देखें तो हम कह सकते हैं 7, 8 जीन लिंक है, 7, 9 भी लिंक हो सकते हैं, 8, 9 लिंक है, पर जब 7 को हमने 13 से कंपेयर किया ये इकट्ठे इनहेरिट नहीं होंगे। तो इसका मतलब लिंकेज किस पे डिपेंड की, लिंकेज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, लिंकेज डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। अगर डिस्टेंस कम होगा लिंकेज विल बी स्ट्रॉन्ग, व्हेन द डिस्टेंस इज लेस लिंकेज इज स्ट्रॉन्ग, व्हेन द डिस्टेंस इज मोर, व्हेन द डिस्टेंस इज मोर लिंकेज डिक्रीज। इसके साथ साथ आपको मैं एक और बताती हूँ, अगर डिस्टेंस कम है लिंकेज ज्यादा होगी, और क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर डिक्रीज हो जाएगी। डिस्टेंस ज्यादा है लिंकेज कम होगी और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्रोमोसोम में जीन जितनी दूरी पे है, जैसे फर्स्ट और सिक्स्थ जीन, इसके ज्यादा चांसेस है क्रॉसिंग ओवर के, और फर्स्ट और सेकंड जीन के ज्यादा चांसेस है कि ये इकट्ठे स्टे करेंगे। अगर हम बात करें लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट किसने किए, लिंकेज पे एक्सपेरिमेंट किए मॉर्गन ने, और मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल एनिमल था ड्रोसोफिला। मॉर्गन को फ्लाईमैन भी बोलते हैं, मॉर्गन इज कॉल्ड द फ्लाईमैन क्योंकि ड्रोसोफिला इज द फ्रूट फ्लाई, और ड्रोसोफिला पे इसने एक्सपेरिमेंट किए मॉर्गन ने, और मॉर्गन को हम बोलते हैं मॉर्गन इज कॉल्ड फादर ऑफ अकॉर्डिंग हम जीन का डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस इज 5 मॉर्गन 6 मॉर्गन। मॉर्गन ने काम किया था ड्रोसोफिला पे, अब मॉर्गन ने प्रोसेस चेंज है, मॉर्गन ने प्रोसेस दी डाइहाइड्रेट क्रॉस के। डाइहाइड्रेट क्रॉस का मतलब जिसमें हम such type of structure are present which
एनस्टाइन। अब जो इसमें कैरेक्टर लिए, कैरेक्टर था फर्स्ट कैरेक्टर इज येलो बॉडी एंड व्हाइट आई फीमेल क्रॉस विथ ब्राउन बॉडी एंड रेड आई मेल। तो यहाँ दोनों क्रोमोसोम एक्स है, यहाँ भी दोनों क्रोमोसोम
ब्राउन बॉडी है, रेड आई, फीमेल, दोनों यही बने। और वहां देखो क्या बना, वहां आया येलो बॉडी है, वाइट आई फीमेल, वाइट आई फीमेल। अब यहां से आपको एक चीज और क्लियर होनी चाहिए कि फीमेल के पास जो करेक्टर है, अगर करेक्टर सेक्स लिंक है, सेक्स लिंक का मतलब अगर हम बात करें जीन्स की, जो जीन सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, अगर करेक्टर सेक्स लिंक है तो वो मेल से सन में जाता है। आपने यहां देख, सॉरी, फीमेल से सन में जाता है, या फीमेल के पास जीन है वाई एंड डब्ल्यू, किस में चले गए, सन में चले गए, और आगे इससे डॉटर में जाएगा। यहां मेल के पास है वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, तो ये किस में गए, मेल से फीमेल में गए। क्यों गए, क्योंकि मेल पे जो जीन होंगे वो हमेशा एक्स क्रोमोसोम पे होंगे, और जब फीमेल की फॉर्मेशन होगी, फीमेल के पास दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम उसको कहां से मिलेगा, एक एक्स क्रोमोसोम उसको फीमेल से मिलेगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम उसको मेल से मिलेगा। इसका मतलब फीमेल में करेक्टर कहां से आ रहे हैं, मेल से आ रहे हैं। तो इस टाइप के इनहेरिटेंस को जहां फीमेल से करेक्टर मेल में जा रहे हैं, मेल से भी करेक्टर फीमेल में जा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इस पे हम ह्यूमन बींग के लिए काफी सारे क्रॉसेस करेंगे। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब ये जो जनरेशन आई बेटा, ये F1 जनरेशन है, दिस इज F1 जनरेशन। अब उसने फिर इन दो ऑर्गेनिज्म को लिया, कोई भी दो ले लो, एक मेल और एक फीमेल, जो कि सभी सेम है, ये डिस्टेंस बेटा कम रखते हैं क्योंकि ये जीन लिंक है, साथ में ये आ गया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस। क्रोमोसोम की लेंथ थ्री रखनी है जितनी हमने यहां दिखाई है, इसको क्रॉस किया, वाई डब्ल्यू और इसके साथ। अब गैमेट फॉर्मेशन ये बन जाएगा वाई डब्ल्यू, दूसरा गैमेट बना वाई प्लस डब्ल्यू प्लस वाई डब्ल्यू, क्लियर, दीज आर द गैमेट फॉर्मेशन। इसके बाद F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में बेटा ये एक्स गैमेट है, इसको फर्टिलाइज कर रहा है, ये आ गया हमारे पास वाई डब्ल्यू और वाई डब्ल्यू, ये आ गया हमारे पास, इसने इसको फर्टिलाइज किया वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और वाई डब्ल्यू, इसने इसको फर्टिलाइज किया वाई डब्ल्यू प्लस, ये डब्ल्यू था वाई डब्ल्यू, फर्टिलाइजेशन इसके साथ, इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ, इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ, इसकी फर्टिलाइजेशन इसके साथ। अब आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें आप देख रहे हो कि अगर कलर येलो है तो आई कलर वाइट है,
अगर कलर ब्राउन है तो आई कलर रेड है, इसका मतलब ये दोनों जीन क्या है, लिंक है। अगर बॉडी कलर येलो होगा तो आई कलर व्हाइट होगा, अगर ब्राउन होगा तो रेड होगा। समझ आया यहाँ तक? इसके बाद फिर हम बात करते हैं, पर उसने क्या देखा, उसने देखा 1.3% केसेस में अलग ही कोर क्रॉस आ रहे हैं। उसने देखा 1.3% केसेस में क्या हुआ, मैं यहाँ से ले रही हूँ, ये हमारा एक एस्पेक्ट है। दूसरे एस्पेक्ट में मैं ये इसको दोबारा लिख रही हूँ, y plus w plus y w। अब उसने कुछ देखा, उसने देखा कुछ फ्रूट फ्लाई ऐसी आई जिनके पास येलो कलर के साथ रेड आई थी और ब्राउन कलर के साथ व्हाइट आई थी। तो उसने कहा इसका मतलब कहीं ना कहीं सेगमेंट्स में एक्सचेंज हुआ है, क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हुआ ये YW और ये ऐसे Y plus W plus। इन दोनों के सेगमेंट में क्रॉसिंग ओवर हुई, जैसे आपके पास दो पेन है आपने कैप उठा के एक्सचेंज कर दी, सेम यहाँ क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्या आया बेटा Y W plus Y plus W। समझ आ गई यहाँ तो? इसका ये पोर्शन इंटरचेंज हो गया, दूसरा वही रहेगा Y W और ये गैमेट फॉर्मेशन Y W plus Y plus W Y W। ये इसके साथ करो Y W plus Y W। ये इसके साथ करो Y plus W और Y W। ये इसके साथ करो Y W plus। ये इसके साथ करो Y plus W। अब आप यहां देखें क्या चेंज है, यहां पे फीमेल में अगर ब्राउन कलर है साथ में रेड आई है, अगर येलो कलर है तो व्हाइट आई है, मेल में भी ऐसा ही है, अगर ब्राउन कलर है तो रेड आई है, येलो है तो व्हाइट है। यहां क्या हुआ, यहां आप देख रहे हैं अगर कलर येलो है, येलो बॉडी कलर आई कलर रेड है, यहां भी येलो है रेड, दीज बोथ आर फीमेल। समझ आ गई यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद ना देखें आप, यहां मेल क्या है, येलो है रेड, ब्राउन है व्हाइट। तो इसमें हमने खुद कैलकुलेशन नहीं की करनी, ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट थे उसी को हमने यहाँ देखा है। मॉर्गन ने क्या देखा कि ये जो रिकम्बिनेशन है ये 1.3% में आए, ये रिकम्बिनेशन 1.3% में आए, इसका मतलब 98.7% क्या शो किया, लिंकेज 98.7% में लिंकेज, बिकॉज जीन पर क्लोज भी मिले, रिकम्बिनेशन बहुत कम है 98.3% और लिंकेज ज्यादा। क्लियर? दिस इज मेंडल डाइट।